हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में पाइथन पर हम डायमंड पैटर्न की बात करेंगे। ये डायमंड पैटर्न क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शेप बना हुआ है। ये देखिए, ये शेप जो है डायमंड शेप कहलाता है। ये कुछ इस तरह का शेप होता है और इसे कहते हैं हम डायमंड शेप। ठीक है, अब ये जो डायमंड शेप होता है, ठीक है, इसको हम कैसे प्रिंट करवाएंगे और स्टार के फॉर्म में हमें प्रिंट करवाना है, यानी यहाँ पे वन स्टार, फिर यहाँ पे वन स्टार, फिर यहाँ पे गैप बीच में, फिर यहाँ पे टू स्टार हो गया, ठीक है ना, वहां पे इसको हमें प्रिंट करवाना है। और ये जो है इस तरह से डायमंड शेप हमारा बन जाएगा। ये हमारा डायमंड शेप है, ठीक है। ऐसा अगर हमें पैटर्न प्रिंट कराना हो और विद द हेल्प ऑफ यूजर हम ये चाहते हैं, अब देखिए इसमें कितने रो कितने कॉलम है, ये पहला, ठीक है, फिर यहां पर ये दूसरा, फिर यहां पर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ठीक है, फिर ऐसे ही ये पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस तरह से। और फिर देखिए ये हो गई कॉलम की संख्या, अब ये रो, वन टू थ्री फोर, ऐसे करके इसकी काउंटिंग एक बार आप सही से कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। मैंने एक पैटर्न बना के रखा है, मैं आपको चला के दिखाता हूं। यहां पे रन पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन। तो अगर एन की वैल्यू मैं 4 एंटर करता हूं तो यहां 4 ऊपर और 4 नीचे, यहां पे देखिए 1 2 3 4 और यहां नीचे भी 4, चार चार का ये डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं फिर इसको दोबारा से रन करता हूं यहां पे रन मॉड्यूल पे जाकर के, अगर मान लीजिए हमें 8 पैटर्न, मतलब इस तरह का पैटर्न चाहिए, तो अगर 8 एंटर करता हूं तो ये इस तरह का शेप प्रिंट होकर आता है। ये कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं एक बार। यहां फाइल पे जाता हूं, यहां से न्यू फाइल चूज करता हूं। अब आपको कैसे कैसे काम करना है वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए सेम प्रोग्राम में लिखता हूं, अगर एक वेरिएबल एन बना लिया हमने और एन इज इक्वल टू इंट इनपुट, अब इनपुट इसलिए यूज कर रहा हूं कि इनपुट क्या दिखेगा यूजर को स्क्रीन पे, यहां पे लिखता हूं एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये लिख दिया हमने और इसको क्लोज किया, ठीक है। ये क्लोज करने के बाद क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, यहां पर फॉर लूप लगा लेता हूं मैं, यहां लिखा मैंने फॉर। अब देखिए जो सी लैंग्वेज में फॉर लूप यूज होता है उसके तुरंत बाद हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है। इन यहां पर आई लिखूंगा, फिर इन, फिर यहां पर लिखता हूं रेंज, आर ए एन जी ई, रेंज, और यहां पर वो वैल्यू जिसमें ये जाकर स्टोर होगी तो ये लगा दिया हमने, और फिर एंटर प्रेस करता हूं। एंटर प्रेस करके नीचे आ गए हम, ठीक है। और इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे और यहां पर लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करवाने के लिए यहां सिर्फ प्रिंट ही लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सिंगल इंटेड कॉमा लगाया, गैप प्रिंट करवा दिया, क्योंकि बीच में हमें गैप भी तो चाहिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब यहां पे इनटू का सिंबल लगाया, यहां पे लिखता हूं मैं एन माइनस आई और फिर माइनस वन, ठीक है, ये एक लॉजिक लगा दिया हमने। फिर यहां प्लस लिखता हूं, ठीक है, और सिंगल इनोटेड कॉमा देता हूं, स्टार सिंबल, ओके, और फिर यहां पर सिंगल इनोटेड कॉमा क्लोज, फिर यहां पे स्टार दे देता हूं और आई प्लस वन कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रोग्राम हमारा चलेगा तो सेम वही पैटर्न प्रिंट होकर आएगा। अब यहां पे दो बार ब्रैकेट ओपन किया था, दो बार क्लोज कर दिया, फिर एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आ गए हम। अब यहां पर फॉर लूप लगा लेते हैं हम, यहां लिखता हूं मैं फॉर, ठीक है, आई इन रेंज एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये कर दिया हमने, और फिर एंटर करके नीचे आएंगे। जैसे एंटर करके नीचे आएंगे तो इंटेंडेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं प्रिंट, अब फिर यहां पे सिंगल इंटेड कॉमा, ठीक है, जैसा कि ऊपर हमने दिया था, फिर इंटू का सिंबल दिया, फिर यहां पर आई प्लस वन, ये कर दिया हमने, क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। अब क्या करना है, अब प्लस का सिंबल देना है, प्लस का निशान लगाना है यहां पर, और फिर एक बार सिंगल इंटेड कॉमा में हमें क्या देना है, स्टार देना है, स्टार दे दिया, फिर यहां पर सिंगल इंटेड कॉमा, फिर स्टार, ठीक है, फिर यहां पर n माइनस वन माइनस सॉरी n माइनस आई माइनस वन, तो n माइनस आई माइनस वन,
ये दे दिया हमने। इसके बाद से ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली एक तरह से देखा जाए तो बन चुका है। अब इसको रन करवाने की बारी है। इसको रन करवाएंगे तो क्या आएगा, ये प्रोग्राम सही से चलेगा नहीं चलेगा, आइए देख लेते हैं। इसको मैं पहले सेव करता हूं, यहां से हमने सेव करना है इसको, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर दे रहा हूं। DIAMONDD कर देता हूं .py, डायमंड के नाम से पहले से सेव कर रखा है हमने, ये हमने सेव कर लिया। अब इसको रन पे जाकर यहां से क्लिक करता हूं। ओ यहां पे कोलन लगाना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे कोलन लगा देता हूं मैं। ये कोलन लगा दिया हमने और यहां पर कोलन लगा दिया, कोलन छूट गया है, ये कोलन लगा दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने कर दिया है। और अब इसको सेव करता हूं और फिर अब रन करवाने की बारी है। तो यहां से रन करवा दिया हमने। अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन, यानी कि कितने डायमंड्स जो नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहां पे मान लीजिए कि चार, यहां पे मैं फोर लिखता हूं, तो यहां देखिए फोर नंबर्स का डायमंड पैटर्न प्रिंट होकर आपके सामने आ गया है। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूं और फिर एक बार रन करवाता हूं प्रोग्राम को। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम एट नंबर्स का डायमंड पैटर्न प्रिंट कराते हैं। यहां पे एट लिखा हमने, तो अब ये देख सकते हैं एट नंबर्स का डायमंड पैटर्न प्रिंट होकर हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। यूजर के हेल्प से हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया 10, तो ये 10 नंबर्स का प्रिंट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहां पे, फिर एक बार रन करवाता हूं इसे, अगर मैं बात करूं 15, तो ये 15 के हिसाब से डायमंड पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये डायमंड पैटर्न कैसे बनाना है। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन कि ये लॉजिक क्या है, कैसे काम करेगी, हालांकि मैंने बता ही दिया है लगभग, थोड़ा सा इसका अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये लॉजिक हमने कैसे बनाया, कैसे काम करेगी ये। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।